तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक क्लास ए बनाई जिसमें हमने जे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और हमने जे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसमें सेट विजिबल कॉल किया, सेट साइज कॉल किया, डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन सेट किया। अब हम नया एग्जाम्पल बनाते हैं वी डॉट जावा, जिसमें मैं जो जे फ्रेम है उसकी सब क्लास बनाकर इस जो फ्रेम है वो क्रिएट करूँगा। तो मैंने क्लास बी बनाई जिसमें मैं सब क्लास बनाना चाहूँगा किसकी, जे फ्रेम की। तो मैंने कहा क्लास बी एक्सटेंड्स जे फ्रेम, और मैंने स्विंग डॉट जे फ्रेम को इम्पोर्ट किया हुआ है, मैंने जे फ्रेम को एक्सटेंड किया। इसके बाद अब मैं जे फ्रेम का अब कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करूँगा, मैं क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। तो मैंने पब्लिक मेथड बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड, इसके बाद मैंने कहा न्यू बी, मैंने बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, मैंने बी क्लास का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने उसके होल्ड किया। अब मैंने कहा बी डॉट सेट साइज, मैंने कहा 500 कॉमा 200, और मैंने कहा बी डॉट सेट विजिबल ट्रू। इसके बाद बी डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, इसमें मुझे पास करना है एग्जिट ऑन क्लोज जो कि कॉन्स्टेंट है जे फ्रेम क्लास का। जे फ्रेम क्लास का फाइनल स्टैटिक वेरिएबल है जो हमारी क्लास बी में इनहेरिट हो गया होगा। चूंकि इनहेरिट हो गया इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, एग्जिट ऑन क्लोज। तो मैं इस एग्जाम्पल को रन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, मैंने यहाँ कहा जावा सी बी डॉट जावा। तो हमने देखा यहाँ पर एरर्स, कैन नॉट फाइंड सिंबल, वो स्पेलिंग मिस्टेक, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ओके। मैंने बी डॉट जावा रन किया और क्लास बी को, सॉरी, तो मैं क्लास बी को रन करता हूँ, मैंने जावा बी, मैंने देखा कि फ्रेम बन के तैयार हुआ, मैंने क्लोज़ किया, प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। ये एक दूसरी मेथड है फ्रेम बनाने की। हम एक तीसरी मेथड पे बात करते हैं जिसमें मैं इस फ्रेम को एक न्यू थ्रेड में बनाऊंगा। मैंने एक नया एग्जांपल बनाया, सी डॉट जावा सेव किया, मैंने कहा क्लास सी, मुझे इसमें इम्पोर्ट करना है, मैंने कहा इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे, और साथ ही मैंने एक क्लास बनाई माई फ्रेम, एक्सटेंड्स जे फ्रेम, और इस जे फ्रेम में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया माई फ्रेम, क्योंकि माई फ्रेम एक जे फ्रेम है इसलिए मैं इसमें जे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट माई फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करके इस बार में बनाने वाला हूँ। तो मैं माई फ्रेम के कंस्ट्रक्टर में कुछ कोड लिखूंगा, मैंने कहा दिस डॉट सेट साइज 300 600, तो मैंने कहा 400 और यहाँ पर 600, और साथ ही मैंने कहा दिस डॉट सेट विजिबल, मैंने कहा ट्रू, और दिस डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, मैंने कहा एग्जिट ऑन क्लोज ओके। तो अब मैं क्लास सी में एक मेन मेथड बना लेता हूँ, मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS मैंने बनाया। मैं एक थ्रेड बनाऊंगा, मैंने एक थ्रेड टी बनाया है, थ्रेड टी इक्वल्स टू मैंने कहा न्यू थ्रेड, और इसमें मुझे रनेबल का एक ऑब्जेक्ट पास करना है, रनेबल का एक वेरिएबल आर बनाया, मैंने कहा न्यू रनेबल, मैंने रनेबल क्लास को डायरेक्टली यहाँ पर मैं इनर क्लास बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने रनेबल का वेरिएबल आर बनाया, इसमें मैंने न्यू रनेबल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। मुझे इसमें मेथड को ओवरराइड करना है, पब्लिक वॉइड रन को मैंने ओवरराइड किया, और इस रन मेथड में मैं माई फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा, का न्यू माई, फ्रेम,
हमने न्यू माई फ्रेम किया, मैंने माई फ्रेम का कंस्ट्रक्ट कॉल किया क्योंकि माई फ्रेम एक जे फ्रेम है, इसलिए एक जे फ्रेम तैयार हो जाएगा। और इस माई फ्रेम के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लिखा हुआ है जो करंट ऑब्जेक्ट है उसकी साइज सेट कर दो, उसे विजिबल कर दो और साथ ही उसका जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है वो सेट कर दो। तो अब मैं इस एग्जांपल को रन करूँगा। वेट, हमने एक थ्रेड बनाया लेकिन इसमें रनिवल का जो ऑब्जेक्ट है रन पास नहीं किया, मैंने आर पास किया और साथ ही मैंने कहा टी डॉट स्टार्ट, मैंने थ्रेड को स्टार्ट किया। मैं सी क्लास को रन करना चाहूँगा, उनका जावा सी, सी डॉट जावा मैंने कंपाइल किया, एरर जावा 8 पे एरर, मैंने सेमीकोलन लगाया, ओके। मैंने दोबारा कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल, मैंने कहा जावा रन किया। आपने देखा एक फ्रेम बनकर तैयार हुआ एक न्यू थ्रेड में, और मैंने क्लोज़ किया तो आपने देखा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। तो ये हमने देखा तीसरी मेथड एक फ्रेम को बनाने का। ये अच्छा हुआ यदि हम इस फ्रेम को एक न्यू थ्रेड में रन करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिसका हम यूज़ करने वाले हैं फ्रेम बनाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही।